शुक्रवार सुबह दिल्ली के रोहिणी में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हरियाणा के जींद जिले के पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के हाडवा गांव के रहने वाले दीपक उर्फ टाइगर को मार दिया गया है। दीपक हालांकि करीब 5-6 साल से बाहर ही रहता था। पिल्लूखेड़ा थाना में दीपक के खिलाफ 2019 में लूट और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज हैं। इस मामले में वो अभी जींद के लिए पुलिस वांछित ही चल रहा था। दीपक का परिवार पिछले 22 साल से पिल्लूखेड़ा मंडी में ही रहता है। दीपक की मौत के बाद उसके गांव में घर घर सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं और पड़ोसी भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि दीपक कभी कभी आता था, लेकिन उसके आचरण से कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपराध की दुनिया में है। दीपक का बड़ा भाई प्रवीण चालक है। गाँव के लोगों ने बताया कि दीपक के पिता ने कुछ साल पहले पिल्लूखेड़ा मंडी में ही किराना की दुकान की थी। दीपक अपने पिता की दुकान पर ही मदद करता था, लेकिन पिछले कई सालों से उसका आना जाना कम था। पिल्लूखेड़ा थाना प्रभारी सुभाष ने बताया कि दीपक के खिलाफ पिल्लूखेड़ा थाना में 2019 में लूट डकैती और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज हैं। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।